फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ उड़द की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ढाबा स्टाइल है, बहुत ही मज़े की बनती है। और कैसे बनती है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो लेट्स सी, देखते हैं। और ये देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। टमाटर एक अदद बारीक चॉप कर लिया है मैंने, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, ये ले ली हैं, इसको भी बारीक काट लिया है। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। हल्दी पाउडर भी 1/2 टीस्पून है, ठीक है। नमक 1 टीस्पून है, ठीक है। और ये प्याज है बिल्कुल, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। छोटी प्याज है बिल्कुल, और बड़ी हो तो 1/2, ठीक है। इसको भी अंडे की तरह बारीक काट लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है हमने तड़के के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दाल बनाना। बहुत आसान और इजी रेसिपी है, ढाबा स्टाइल है ये, बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, अच्छा जी, सब हम दाल बनाने के लिए सरसों का तेल यूज़ करेंगे, क्योंकि सरसों के तेल का अपना ही जायका और अपना मज़ा होता है, ठीक है। इसके दाल के अंदर आप सरसों का तेल या घी ले सकते हैं, और वो भी खुले हाथ के लिए। दाल के लिए हमें तेल भी और घी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जो भी लें ज़्यादा लें, क्योंकि दाल जो है बनाएंगे हम तो खिली खिली बने। अगर हम घी या तेल इसमें कम डालेंगे तो ये खिली खिली नहीं बनेगी, बिल्कुल जैसे रूखी बनेगी, बेरौनक, ठीक है। अगर हमें इसको अच्छी सी बनानी है, मलाई टाइप, तो हमें इसको घी या सरसों का तेल ज़्यादा डालना है, ठीक है। तो हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम सरसों का तेल शामिल करेंगे। सरसों का तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए, ये देखें मैंने 1/2 कप से भी कम लिया है। ये जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा खूब सरसों का तेल ज़्यादा, फिर इसमें हम ज़ीरे का भंगार डालेंगे, ठीक है। ज़ीरा डालेंगे, खूब तेल तेज़ गरम हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए सरसों के तेल की, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। अभी तेल गरम हो रहा है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखें तेल हमारा गरम हो रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसमें खुशबू भी आने लग गई है सरसों के तेल की। जब ये अच्छे तरीके से तेल गरम हो जाएगा तो इसमें ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। अब ये हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी आँच स्लो कर देते हैं, तेज़ तेल गरम है तो इसमें एकदम से ज़ीरा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो जल जाएगा, ठीक है। ये देखें तेल गरम हो गया, इसके अंदर हल्का सा ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। अब ज़ीरा जो है, देखें पॉपकॉर्न की तरह जब फूलेगा तो इसके अंदर हम ये प्याज शामिल कर देंगे, ठीक है। देखें ज़ीरा हमारा हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये प्याज है ये शामिल कर दूंगी। ये देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ज़ीरे की और सरसों के तेल की भी। प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, जो कि ये देखें नमक 1 टीस्पून, ठीक है। और आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, जितना आपको सॉल्ट पसंद है टेस्ट के हिसाब से। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, ठीक है। इसी के साथ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे मसाले को, ज़्यादा नहीं। और ये टमाटर ये शामिल कर देंगे, टमाटर शामिल कर देंगे। और ये हमारी जो दाल है वो हरी मिर्चें हैं, इसको भी इसी के साथ शामिल कर देंगे, ठीक है। इतनी आसान रेसिपी है। अब ये टमाटर गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं आप लोगों का इसको एक सीक्रेट भी बताऊंगी,
वो क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखें, आधा कप से भी कम जो है पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी मैं आँच जो है वो दरमियानी ही है, इसको 5 मिनट के लिए दम देंगे, 2 मिनट 5 मिनट के लिए बस, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। ये देखें, ठीक है, टमाटर नरम हो जाएंगे तो हम इसमें ये दाल शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, दाल जो है ये आप लोग ये देखें, इसको मैंने भिगोई हुई थी 2 घंटे के लिए, तो जो है ये दाल भीगी हुई दाल है। आप कच्ची दाल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इशू हो इस तरीके से दाल में पकाने में तो आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं, एक उबाल दे सकते हैं। तो अभी हमारे टमाटर गल रहे हैं, ठीक है, अभी 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं टमाटर की क्या कंडीशन है। ये देखें, टमाटर हमारे गल चुके हैं, थोड़ा सा इसको मसाले को भूनेंगे। और इसके अंदर जो है दाल शामिल कर देंगे। ये देखें, ये मैंने दाल 2 घंटे भिगोई हुई थी, ठीक है। अगर आप लोगों की दाल भीगी हुई नहीं है, आप लोग बना रहे हैं उसी टाइम, तो आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें ये होता है कि पानी डालने से आपकी दाल जो है ज़्यादा गल जाएगी, और अगर कम पानी डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा मसला रहता है कि कम पानी डालेंगे तो दाल जो है कच्ची रह जाएगी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो दाल जो है वो ज़्यादा नरम हो जाएगी। और दाल तो ये वाली जो होती हैं वो खिली खिली अच्छी लगती हैं, ठीक है। ये देखें, इसको मैं भून लूँगी दाल को, मेरी दाल देखा है आपने, बस दम पे ये पक जाएगी, ठीक है। ये देखें, अगर आपको इस तरह का डाउट होता है इस तरह से, तो आप इसको दाल को अलग से पका के इसमें शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 उबाली दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैं 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी, ताकि जो दाल थोड़ी सी इसमें कसर है वो पक जाए। ये देखें, इसको हल्की आंच पे दम दे देंगे, बस 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद इसमें जो है गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे और भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, ठीक है। ये देखें, ज़ीरा जो है मैंने भून के हल्का सा कूट लिया, ये शामिल करेंगे खुशबू के लिए। बहुत से लोग इसमें गोल धनिया और ज़ीरा भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़ीरे का सर्विंग करते वक्त ज़ीरा और हरे धनिया ये डालूँगी बस, ठीक है। 5 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं। वाह, इतने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, और कलर भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। लोगों को दिखा देती हूँ, ये दाल देखें गल गई है, ठीक है। ये देखें, इतनी दाल गल जाए देखें, और खिली खिली भी बनी है। तेल हमने इसमें ज़्यादा डाला है, दाल में जो है घी या तेल आप कभी भी ज़्यादा डालें, ठीक है, उसका फ्लेवर ही आप देखें बहुत मज़े का बनता है। अब इसके अंदर हम आखिर में ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा डालना है, इसका कलर चेंज ना हो बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसको हमें खूबसूरत बनाने के लिए और ज़्यादा ये देखें हरा धनिया शामिल कर देना है इसमें, ताकि इसका रंग जो है और ख़ूबसूरत हो जाए, ठीक। ये देखें कितनी मज़े की और ख़ूबसूरत लग रही है ये दाल, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।